राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा समेत अन्य सियासी दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, मगर दोनों ही दल ये बताने से बच रहे हैं कि जनता किस चेहरे पर वोट दे और चुनाव के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां भाजपा पहले से ही तय कर चुकी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आपसी कलह और भारी गुटबाजी के बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भी राजस्थान में बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में सूबे की जनता के लिए ये सस्पेंस बरकरार रहेगा कि चुनाव के बाद उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां कांग्रेस राजस्थान समेत अन्य जिलों में गुटबाजी और आपसी कलह की समस्या से जूझ रही है और इसे दूर करने के आलाकमान के सभी प्रयास अभी तक विफल ही साबित हुए हैं, ऐसे में पार्टी ने कर्नाटक फॉर्मूले को लागू करने पर विचार किया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की कलह के चलते किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। बहुमत आने पर विधायकों से राय शुमारी और मतदान के बाद सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब अन्य राज्यों में भी इसी तरह की रणनीति तैयार की गई है। पार्टी आलाकमान सभी नेताओं से बात कर इस बारे में प्रदेश के नेताओं को जानकारी भी दे रहा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी अहम हैं। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट करने के लिए मशक्कत कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश में वो वापसी के भरसक प्रयास में है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच कलह कड़वाहट में बदल चुकी है। पायलट को लेकर कई तरह की सियासी चर्चा चल रही है। हालांकि पायलट के नजदीकी नेता चर्चाओं को अफवाह बता रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सियासी रसाकशी आम है। ऐसे में कांग्रेस ने कर्नाटक फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई है। उधर भाजपा भी गुटबाजी के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समय समय पर शक्ति प्रदर्शन के जरिए शीर्ष नेतृत्व को ये एहसास करवा चुकी हैं कि उन्हें दरकिनार करना भारी पड़ेगा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य नेताओं ने भी अपना दावा ठोक रखा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी को जिम्मेदारी देकर गुटबाजी को कम करने की मशक्कत जरूर की है, मगर ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना भी उसी का हिस्सा है। ऐसे में जनता अधर झूल में रहने वाली है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से बचा जा रहा है, क्यों सियासी दल स्थानीय चेहरे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और क्यों जनता को ये नहीं बताया जा रहा कि चुनाव के बाद उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त है, ऐसे में राजनीतिक दलों की रणनीति बनती और बदलती रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका टीवी।